इंग्लिश के पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट वन है डिजीजेस आर डैश थ्रू कॉन्टेक्ट विद इनफेक्टेड एनिमल्स। आप समझ रहे भाई, बीमारियां फैलती है इनफेक्टेड एनिमल से, यानी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। तो क्या है, ट्रांसमिटेड, ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसेक्टेड या ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांट एक जगह से दूसरी जगह प्लांट करना होता है, ट्रांसेक्टेड भी अलग है, ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाना। तो डिजीजेज क्या होती है, ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिशन होता है डिजीजेज का। तो ए ऑप्शन मेक ए वर्ल्ड वाइड सेइंग है ये, डैश द सन साइंस, जल्दी कीजिए जब तक आपके हाथ में मीन्स वो टाइम है, ठीक है। तो मेक ए डैश द सन साइंस वाइल वाइफ, वाइफ और वेल, ये बताइए वाइफ और वाइफ तो कुछ भी नहीं, और वेल होता है रोना, तो यहाँ एक ही चीज है वाइल, मेक ए वाइल द सन साइंस, तो वाइल। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड सेइंग है, सेइंग कभी चेंज नहीं होती, जैसे ये आता है एज यू सो सो शैल यू रीप, तो ठीक है ना, ऐसे ही मेक ए वाइल द सन साइंस। हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट, उसकी गलत ड्राइविंग ने ऑलमोस्ट लगभग डैश एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कारण बन गया होता वो, यानी वो एक्सीडेंट कर दिया होता उसकी गलत ड्राइविंग ने। क्रिएटेड, क्रिएट तो कोई चीज पैदा करनी, कॉज्ड रिजल्ट होता है परिणाम, और मेड बनाना, तो बेटा एक्सीडेंट होता है कॉज्ड, ठीक है ना। तो हिज बैड ड्राइविंग ऑलमोस्ट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, उसकी गलत ड्राइविंग कारण बन गई होती एक एक्सीडेंट का। तो किसी भी रेलेवेंट सेंटेंस के लिए एक रेलेवेंट वर्ड होगा, तो रेलेवेंट वर्ड यहाँ क्या है, कॉज्ड। दे डैश फ्रीक्वेंट क्वर ओवर पेटी इश्यूज, वो नियमित रूप तौर पर लड़ते रहते हैं छोटे छोटे तुच्छ इश्यूज पर, बातों पर। तो बेटा दे फ्रीक्वेंट का के प्लेस पे लगाना है यहाँ, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंस, फ्रीक्वेंटली और फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ गया फ्रीक्वेंटली। दे फ्रीक्वेंटली क्वरल ओवर पेटी इश्यूज, वो झगड़ते रहते हैं, तो बेटा वर्ब है और उसके बाद एलवाई मीन एडवर्ब लगेगी। तो दे फ्रीक्वेंटली बार बार लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। नेक्स्ट है इफ यू हैव पावर, यदि आपके पास पावर है, मनी है, यू मिस यूज, एंड इफ यू डोंट हैव यू यर्न फॉर इट। यदि आपके पास पावर है या पैसा है फिर तो आप इसका मिस यूज करते हैं, और यदि आपके पास पावर और पैसा नहीं है फिर आप इसके लिए रोते हैं, पछताते हैं। तो बेटा अंडरलाइन वर्ड में एक एरर है, वो एरर आइडेंटिफाई कीजिए। देखो इफ यू हैव पावर एंड मनी, या तो पावर या मनी, तो यू मिस यूज किसका, इसका प्रोनाउन लगाइए पावर और मनी का, एक का, तो ये है नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सिंगुलर के लिए इट लगता है, तो यू मिस यूज इट। एंड इफ यू डोंट हैव इट, आ गए ना, देखो बीबी इट, यू यर्न फॉर इट, अब देखो इट इट, तो यहां भी तो इट होना चाहिए, ठीक है। तो इफ यू डोंट हैव, इफ यू मिस यूज इट, तो इट मीन्स मनी, यू मिस यूज इट, आप इसका मिस यूज करते हैं, तो इसमें एरर था, तो तुम समझ गए भाई एक ऑब्जेक्ट की कमी है। वो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, इस नाउन का ही तो प्रोनाउन लगेगा, तो वो लग गया इट। मैस्कुरेट, इसका मीनिंग बताना था, मैस्कुरेट का मीनिंग बताना था, तो बेटा टू प्रोवाइड स्पोर्ट, टू गो इन डिस्गाइज, टू मेस्मराइज या टू रन इन अ मैराथन रेस। अब ये बताइए मैस्कुरेट होता है बेटा बहरूपिया एक तरह से, छिपा हुआ, तो बेटा इसका बन गया, क्या बन गया, टू गो इन डिस्गाइज, अपना वेशभूष बदल के जाना, तो इसका सिनोनिम बताना था, तो ये इसका बन गया टू गो इन डिस्गाइज। और इसके मीनिंग और देख लो, मैस्कुरेट के मीनिंग क्या है बेटा, प्रीटेंड, प्रीटेंड भी दिखावा बहाना बनाना, पोज करना भी दिखावा बनाना बहाना बनाना, ब्लफ भी नया वर्ड आपने सीखा बी एल यू डबल एफ, वो भी दिखावा, और बेटा डिस्गाइज तो माना है ही, तो डिस्गाइज ब्लफ पोज और प्रीटेंड का मीनिंग होता है टू गो इन डिस्गाइज। रिमाइंडेड हिम डैश हिज प्रोमिस, स्टीस ने याद किया अपना वायदा, बट He was quite indifferent what Stace said. लेकिन वो quite indifferent है what Stace said. देख एक बार फिर बताओ, Stace reminded him. Stace ने उसको तो उसका वादा याद दिलाया, लेकिन जो वो बार बार कहता है ना Stace, वो अपने लिए इंडिफरेंट, अपने आप तो उदासीन है, अपनी बात का तो कुछ कहता नहीं, मीन आपने ये कहा था वो वादा नहीं निभाया, दूसरे को याद दिलाता है, तो Stace reminded him.
ऑन हिज प्रोमिस, टू हिज प्रोमिस, ऑफ हिज प्रोमिस या फॉर हिज प्रोमिस? तो इसमें बेटा ऑफ हिज प्रोमिस, स्टेज रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज प्रोमिस, उसे उसके वादे को याद दिलाया सतीश ने, तो ऑफ, ठीक है, रिमाइंड ऑफ भी होता है ना, रिमाइंड ऑफ. ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम आई कैन इजीली अफर्म दैट ही इज अ गुड हस्बैंड. तो बेटा फोर अंडरलाइंड पार्ट है ये ए बी सी डी. तो ये कह रहा है ऑन व्हाट आई नो ऑफ हिम, एक आई कैन इजीली अफर्म, जितना मैं जानता हूं ना उसके बारे में, मैं आसानी से स्वीकार कर सकता हूं कि दैट ही इज अ गुड हस्बैंड, कि वो एक अच्छा हस्बैंड है. तो बताइए किस में एरर है? देखो बेटा ऑन व्हाट आई नो की बजाय है फॉर फ्रॉम व्हाट आई नो, फ्रॉम व्हाट आई नो हिम, जितना मैं उसके बारे में, जहां से मैं उसके बारे में जानता हूं, ऑन व्हाट नहीं, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ हिम, जितना मैं उसके बारे में जानता हूं. तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया भाई जितना मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे ज्ञान है, जहां तक मैं उसके बारे में जानता हूं. तो यहां एरर किस में था? ऑन. आपको एक चीज और बता रखी है, फोर एरर्स निकालने हो तो ये मास्टर की है आपकी. जहां भी प्रपोजिशन है ना, प्रपोजिशन, वहां आपका एरर, आपको ये ठीक नहीं करना था, आपको तो एरर बताना था. तो एरर आप क्या सीखे, जहां भी प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन का एरर ज्यादातर मिलेगा, तो आपने वही कोशिश करना है. आ गया तो आपको ठीक है, नहीं आया तो प्रपोजिशन. नेक्स्ट, रवि वॉज ऑलवेज डैश ऑफ द गुड फॉर्चून ऑफ अदर्स. रवि हमेशा दूसरों के अच्छे भाग्य से यानी अच्छी किस्मत से जलता है. तो बेटा जलने की तो एक ही वो है, ग्रीडी लालची नहीं है, मिजरेबल नहीं है, इरिटेबल चिढ़ना नहीं है. तो जलना क्या होता है? एनवियस. तो रवि वॉज ऑलवेज एनवियस ऑफ द, और एनवियस के साथ ऑफ भी लगती है ना, एनवियस ऑफ. तो रवि जो है जलता है दूसरों के अच्छे भाग्य से. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इस idiom फ्रेज का मीनिंग बताना कि स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ यानी कि घोड़े के मुंह में से, मौत के मुंह में से. तो इसका मतलब है बेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, जहां सोर्स आता है ना उस सोर्स से ही डायरेक्ट कोई काम ले लेना या कोई बात. तो डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स का क्या मीनिंग है? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. यूजर्स कंप्लेन, यूजर कंप्लेन करते, देखो यहां ऐसा लग रहा है तो यहां नहीं लगेगा, यहां यदि यूजर होता तो फिर क्या हो जाता? कंप्लेन्स, ठीक है, तो यहां एस लगाई देते हैं. अबाउट द डैश आर्टिफिशियल ऑफ वॉर गेम्स, भाई यूजर्स जो है वो शिकायत करते हैं अबाउट द डैश आर्टिफिशियल ऑफ वॉर गेम्स, कि जो वॉर गेम्स चल रहे हैं इनके बारे में वो कंप्लेन करते रहते हैं. तो कैसी कंप्लेन है वो अबाउट द, कैसी? आर्टिफिशियली, आर्टिफिक, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियलिटी, बताओ. देखो बेटा आर्टिफिशियल ही यहां लगेगा, नहीं आर्टिफिक कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियलिटी, तो यहां लगेगा आर्टिफिशियलिटी. एक बार फिर सुन लो, यूजर्स कंप्लेन अबाउट द आर्टिफिशियलिटी, नकलीपन, बनावटीपन, आर्टिफिशियलिटी है ना. देखो आर्टिफिशियली अलग चीज है, आर्टिफिक अलग है और आर्टिफिशियल अलग चीज है. अबाउट द आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियलिटी, हॉस्पिटैलिटी है ना, तो आर्टिफिशियलिटी ऑफ वॉर गेम्स. द वॉल्यूएबल होस्ट, वॉल्यूबल होस्ट, वॉल्यूबल, वॉल्यूबल होता है ना ऊंची आवाज में बोलना, हैज क्रिएटेड अ लाइवली एटमोस्फियर ड्यूरिंग द प्रोग्राम. प्रोग्राम के दौरान है ना जो वॉल्यूबल होस्ट था ना, जो बहुत ऊंची आवाज में अच्छे से बोल रहा था, उसने एक लाइवली एनवायरमेंट में सजीव वातावरण पैदा कर दिया. किसने? वॉल्यूबल होस्ट ने. इस वॉल्यूबल का मीनिंग बताना है अब आपने, ह्यूमरस, हास्यजनक, वेल ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड कितना अच्छा हो बेटा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो नेगेटिव है, ये भी फेयरी भी नेगेटिव है. टॉकेटिव और ह्यूमरस, ह्यूमरस तो हास्यजनक, तो वॉल्यूबल का मीनिंग क्या है? टॉकेटिव. तो इसका मीनिंग है टॉकेटिव, टॉकेटिव होता है बातूनी, तो वॉल्यूबल का मीनिंग क्या हुआ? टॉकेटिव, ठीक है बेटा.